जनता पार्टी की काउंसलर्स को साफ साफ दिख गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने खूब हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर और स्पेशली अर्जुन माधव, चंदन चौधरी और साथ ही रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी, जिससे मैं गिर गई। और हमारी कुछ जो फीमेल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे हाउस से बाहर किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और बहुत ही आज का दिन जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, जहां पर महिला सुरक्षा जब एक मेयर की नहीं है तो आप ये सोचिए हमारे पूरे देश की जितनी भी महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित होंगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगी, जब दिल्ली एमसीडी में जब वो हार चुके हैं तो अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं करते। पिछले 2.5 महीने में पहले चुनावों को टालते गए, जानबूझकर हंगामा करते गए और सदन को गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक तरीके से चलाते रहे। पर अब जब मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का हो गया है तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो हर बार, ये दूसरी बार है स्टैंडिंग कमेटी का जो आज चुनाव था, हर बार उसने हंगामा किया। पिछले चुनाव में तो बैलेट बॉक्स को बाहर फेंक दिया, बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया और खूब हंगामा करा, और आज जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसीलिए आज मैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने SHO सर को रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी बीजेपी के काउंसलर्स हैं, स्पेशली ये जो तीन नाम मैंने आपके सामने लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और साथ ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं अब खुद को सेफ नहीं समझ पा रही हूँ। क्या ये नामजद आपने कंप्लेंट दी है या फिर सभी काउंसलर्स के खिलाफ ये कंप्लेंट दी है? पूरा ग्रुप था, तीन तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, बाकी वीडियो फुटेज में सबकी फोटो आ रही है। आप उस वीडियो से सारे बीजेपी काउंसलर्स को देख सकते हैं। एक बार नाम ले लीजिएगा उन तीनों पार्षदों का। दे दिया सर मैंने। कल कमिश्नर से भी आप मिलेंगे? जी, मैंने रिक्वेस्ट करी है कि एक मैं मीटिंग चाहूंगी उनसे और मैं उनसे इसकी चर्चा करूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू।